आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे बीच स्टूडियो में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेजर आर्यन लाल जी हैं, जिनके परिचय के बारे में छोटा सा परिचय मैं बता दूं। वैसे तो उनसे खुद हम लोग जानना चाहेंगे। आज मुजफ्फरपुर में जूरन छपरा रोड नंबर 1 में महावीर सेवा सदन रामा आई हॉस्पिटल के नाम से जूरन छपरा रोड नंबर 1 में क्लिनिक चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ही जानना चाहें कि डॉक्टर साहब आँख के बारे में कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए हैं और किन किन अस्पतालों में काम किए हैं। एमएस के बाद, एमएस करने के बाद मैंने शंकर नेत्रालय चेन्नई में फेलोशिप किया है तथा अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई, दोनों ही तमिलनाडु स्टेट में है, वहाँ से भी फेलोशिप मैंने किया है। आर्मी में मैंने सर्व किया है। आर्मी सर्व करने के बाद फिर रेलवे में मैं यूपीएससी के थ्रू आया और वहाँ पे एज ए आई स्पेशलिस्ट काम किया 25 साल 25 ईयर्स। और उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल मैं मुजफ्फरपुर में रामा आई हॉस्पिटल में मार्च से, अभी 6 महीने से मैं यहाँ क्लिनिक चला रहा हूँ। तो डिग्री के बारे में तो आपने बता ही दिया। अब एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, आँख में तरह तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आम लोग इसके लिए क्या करें और कौन कौन सा प्रॉब्लम है जी? सबसे पहले तो मैं एज वाइज बताना चाहूँगा जो प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे में 5-6 साल 7 साल के एज तक एक एम्ब्लायोपिया आगे बड़े होके डेवलप करता है, यानी आँख सुस्त हो जाती है। ये पता तब लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज पास कर जाते हैं, जब कभी जांच कराते हैं तो पता लगता है एक आँख में रोशनी कम है या दोनों ही आँख में कुछ कम है, ग्लास से करेक्शन नहीं होता है। उसका सबसे ज़रूरी है, इसको रोकने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चे जब 5-6 साल तक हों, 7 साल के अंदर उसकी आँख की चेक आई स्पेशलिस्ट से ये कराना चाहिए कि विजन 100% है कि नहीं। यदि किसी भी आँख में विजन 100% नहीं है तो उसकी प्रॉपर जांच करा के चश्मा उस समय दे देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि बाद में भी जब बड़े होते हैं तो उसके आँख की रोशनी 100% आती है। उस समय चूँकि बच्चे कंप्लेन नहीं करते हैं, गार्जियन भी नहीं समझ पाता है, और वही जब 18-20 साल के बच्चे होते हैं चेक करते हैं तो पता लगता है कि एक आँख में रोशनी नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, बोलता है आँख सही है लेकिन आँख सुस्त हो गई है, जिसको कि मेडिकल टर्म में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो मैं जनरल गार्जियन को एडवाइस देना ये चाहूँगा कि बच्चे 4-5 साल की एज के जब हो तो उसको एक बार उसका विजन ज़रूर आप चेक करा लें कि बच्चे का दोनों आँख का विजन 100% है कि नहीं। चलिए, अब बच्चे जब बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तब आजकल जो है मोबाइल का ज़माना है, सभी मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिसके चलते आँख में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। देखा जाता है कि आँख में जलन होने लगती है, पानी आने लगता है, ड्राइनेस होता है, आँख में लाली आती है, खुजलाते हैं पानी आँख को, आँख दर्द होता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसको थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए स्टूडेंट्स बच्चे को चाहिए कि कंटिन्यूस मोबाइल या लैपटॉप पे काम ना करें, जहाँ तक हो सके बीच बीच में ब्रेक करें। जैसे 15-20 मिनट कंटिन्यूस आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे काम करते हैं, 15-20 सेकेंड्स के लिए ऑफ द स्क्रीन हो जाइए या जस्ट क्लोज योर आइज। इससे होगा क्या कि फिर टियर फिल्म लेयर बन जाएगा और आपके आँख में जो बाद में प्रॉब्लम होती है, जलन होता है, गरन होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, खुजली होती है, ये सब चीज़ नहीं आएगी। तो कंटिन्यूस काम करने के जगह बीच बीच में ब्रेक करते रहें और अननेसेसरी मोबाइल पे जितने ज़रूरी हो उतना ही काम करें, अदरवाइज इसके एक्सपोजर से आँख में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आप जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट होते हैं, 40 के अराउंड जब आता है तो बोलते हैं कि हमको नज़दीक देखने में दिक्कत होती है, ये होती है, ये कॉमन चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। चाहे नज़दीक विजन के लिए आप आँख को सपोर्ट कर देंगे चश्मे से, आपका विजन ठीक हो जाएगा। और अक्सर हाँ आजकल देखने को मिल रहा है
कि सर दर्द ऐसी चीज़ है जो कि जनरली फिजिशियन के पास जाता है, लेकिन उसमें से 50% केसेस आई प्रॉब्लम का, मोर देन 50% हम कहेंगे कि आँख में प्रॉपर ग्लास नहीं लगने, प्रॉपर पावर नहीं लगने के चलते सर दर्द होता है। तो सर दर्द जब हो, सर दर्द का 40% कारण यस आई का प्रॉब्लम है। यस, बीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कारण, फिजिशियन जो चेक करते हैं बीपी जरूर चेक करा लीजिए 40 ईयर्स के बाद बीपी जरूर बीच बीच में चेक कराते रहें। बीपी नॉर्मल है फिर भी सर दर्द है तो मोस्ट प्रोबेबली लाइकली काउज ज़्यादा चांसेस हैं। अदर भी कॉजेज, हेडेक के बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन आई प्रॉब्लम वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कि चेक करा लेना चाहिए। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मैक्सिमम आदमी सर दर्द से यदि सही पावर दिया जाए तो सर दर्द उसका ठीक हो जाता है, इसीलिए ये करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे आते हैं 60+ ईयर्स के आते हैं कि पहले तो मैं चश्मा लगाता था नज़दीक के लिए और अब बिना चश्मे के मुझे चश्मा हटा देता हूँ मुझे बहुत अच्छा दिखता है। इसको मेडिकल टर्म में सेकेंड साइट कहते हैं, मतलब पहले साइट आपकी दिक्कत थी, अब दिक्कत बिना चश्मे के आप देखने लगे। ये सोच करता है कि आपका जो लेंस है आँख का उसमें कैटरैक्ट का चेंज हो रहा है, मोतियाबिंब चेंजेस आ रहा है। तो इसमें मोतियाबिंब जब चेंजेस आता है तो दूर का चीज़ धुंधला दिखने लगता है, लेकिन नज़दीक का बिना चश्मे से आपको पूरा दिखने लगता है। तो आदमी खुश हो जाता है कि मेरा तो बिना चश्मे के अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में यस उसको दिखा लेना चाहिए, दैट शोज कि मोतियाबिंब शुरू हो रहा है। जो चश्मे में पावर था वो आँख के लेंस में आ जाता है, जिसके चलते वो सेकेंड साइट होता है, आदमी को चेक करा लेना चाहिए। वैसे नॉर्मल हाइजीन के मामले में हम कहेंगे कि आँख को साफ़ सुथरा जरूर रखना चाहिए। बहुत आदमी को होता है रुमाल तुलिया इससे बार बार आँख पोछते हैं, नहीं पोछना चाहिए। यदि आँख में किरकिराहट है, पानी है, कीचड़ है, थोड़ा पानी से धो लीजिए हल्का सा और ऊपर से पोछ दीजिए। बार बार आँख में रुमाल तुलिया सब नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, जब सीजन कंजंक्टिवाइटिस का देखते हैं, अभी बारिश के सीजन के बाद कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है, तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस काफ़ी होता है जिसमें आँख लाल हो जाती है, पानी आता है, खुजली होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। और उसके बाद वो बैक्टीरियल में 3-4 दिन के बाद कन्वर्ट हो जाता है। यदि आप प्रॉपर हाइजीन यदि आँख का मेंटेन नहीं करेंगे, आँख को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो चांसेस है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और सेकेंड प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इस हालत में हम एडवाइस देंगे कि जब वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है उनका जो आँख का आंसू निकलता है, सिक्रीशंस होता है, यदि आपके रुमाल में तोलिया में किसी आता है उसके दूसरे आदमी कोई ना यूज़ करे। यदि वो सिक्रीशन वाला तोलिया हैंकरचीफ कोई भी कपड़ा यदि आप दूसरे यूज़ करेंगे तो चांसेस है कि उसमें फैलने का डर रहता है। और अपने आँख को हाइजीन साफ सुथरा रखें, अननेसेसरी बार बार हाथ ना लगाएं, रुमाल कपड़ा सब ना लगाएं, इससे आपका आँख स्वस्थ रहेगा। बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए है कि हरी साग सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है। सीजनल फ्रूट्स जो होता है वो और हरी साग सब्जी, ये आँख के लिए बहुत ही फायदेकारक होता है। चाहे बच्चे हों, एडल्ट हों, बड़े हों, सभी को ये सलाह दी जाती है कि हरी साग सब्जी और फ्रूट सीजनल जरूर खाएं। एक जो है आँख का एक मोतियाबिंद है क्या और क्या क्या इसका स्टेज होता है? जी, मोतिया देखिए, नॉर्मल आई में एक लेंस होता है जिससे कि वो लेंस फोकस करके रेटिना पे पर्दा पे इमेज बनाता है और हम लोग किसी को देखते हैं। ये लेंस नॉर्मली ट्रांसपेरेंट रहता है, एकदम क्लियर होता है। जो जो एज बढ़ती है, एज बढ़ने के बाद इस लेंस में चेंजेस आने लगते हैं, ओपेसिफिकेशन शुरू हो जाता है एजिंग प्रोसेस से। तो होता ये है कि जब लेंस में ओपेसिटी धीरे धीरे एज के चलते डेवलप करने लगता है, ऐसी स्थिति में उसको देखने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि देखने रेज जो है क्लियरली पास नहीं होता है। तो एनी टाइप ऑफ ओपेसिटी इन द लेंस इज कॉल्ड कैटरैक्ट, उसी को मोतियाबिंब करते हैं जब ओपेसिटी हो जाता है। तो ये एजिंग प्रोसेस के चलते यदि
55 60 साल के बाद होता है, तो इसको सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं, मतलब एजिंग कैटरैक्ट है। ये कॉमन चीज़ है, आदमी का जिस तरह बाल सफ़ेद होते हैं और सब बॉडी में चेंजेस आता है, उसी तरह आँख के लेंस में भी चेंजेस आता है। दिस इज़ ए नॉर्मल फेनोमेना। लेकिन बहुत यंग को भी, एडल्ट को भी देखा गया है कि मोतियाबिंब हो जाता है। उसका मेन कारण जो है, सबसे पहला कारण है ट्रॉमा, मतलब चोट लगना। आँख में यदि आपको हल्का सा चोट लगी हुई है कभी, तो उस समय नहीं पता लगता है, इन कमिंग ईयर्स धीरे धीरे वो मोतियाबिंब में डेवलप कर जाता है, यानी लेंस ओपन। एक आम बीमारी की तरह मतलब हो गया। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। हल्का सा मान लीजिए आँख में चोट लग गई, ट्रॉमा, आदमी ध्यान नहीं देता है, नहीं हमको सब ठीक है। वही कुछ महीने कुछ सालों में धीरे धीरे लेंस में उस चोट लगने के चलते चेंजेज आने लगते हैं, वो ओपेक हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है। जितना ओपेक होते जाता है उतना मोतियाबिंब बढ़ते जाता है। कुछ डायबिटिक्स होते हैं, जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, उनको भी मोतियाबिंब थोड़ा जल्दी होता है। जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है, उसको जल्दी मोतियाबिंब डेवलप करता है, लेंस में चेंजेज आने लगते हैं। होल बॉडी में डायबिटीज़ वाले को चेंजेज आते हैं, लेकिन आई में जल्दी होते हैं, और आई में पर्दे भी, शुगर वाले को, ब्लड प्रेशर वाले को, आँख में एक पर्दे में भी चेंजेस आते हैं, खराबी होने लगती है, जिसको रेटिनोपैथिक बोलते हैं। तो ये सब यदि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो बीच बीच में अपने नेत्र चिकित्सक से ज़रूर सलाह लेना चाहिए, जिससे कि आपके शुरुआत में ही इलाज हो जाए और आप स्वस्थ रह सकें। तो फिर मोतियाबिंद के किस स्टेज में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? जी, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद को ऑपरेशन कब किया जाए। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका सब में आप देखिएगा कि वहाँ पे थोड़ा भी मोतियाबिंद होता है, जिसको स्टेज टू कहते हैं, NS2 नेक्यूलियर स्क्लेरोसिस ग्रेड 2 भी होता है, तो वो लोग ऑपरेट कर देते हैं। बोलते हैं कि अब ग्रेड 2 के बाद 3 होगा, ग्रेड 3 होगा, ग्रेड 4 होगा, ग्रेड 5 होगा, अभी ही कर दो, करना है ही, वाई टू वेट फॉर दिस। लेकिन हम लोग का जो इंडिया का कंडीशन है, इसमें हम जो पर्सनली मैं सोचता हूँ कि जब तक आपका चश्मे से जो काम आप करना चाहते हैं, दोनों आँख से अलग अलग, यदि आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वी कैन वेट फॉर द सर्जरी। सर्जरी कुछ दिन के लिए अवॉइड किया जा सकता है, कुछ महीने कुछ सालों, यदि आपको चश्मे से जो काम करना चाहते हैं, यदि काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, विजन भी 80% 90% ग्लास से यदि आपका आ रहा है, तो इस स्टेज में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हाँ, दोनों आँख अलग अलग आप चेक करें, यदि किसी भी आँख में आपको लगे कि विजन बहुत डाउन हो गया है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और यदि डॉक्टर एडवाइस देता है तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन नहीं कराने से चांसेस है कुछ केसेस में ग्लूकोमा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस में जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ग्लूकोमा, जिसको समलवाई कहते हैं, हम लोग सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं, मतलब कैटरैक्ट इलाज नहीं हुआ, उसके चलते ग्लूकोमा डेवलप कर गया, जिसको समलवाई कहते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है? अब जिसको ग्लूकोमा होता है, उसको आँख में दर्द शुरू, नॉर्मल कैटरैक्ट में आँख में दर्द नहीं होता है, यदि वही कैटरैक्ट आपको ग्लूकोमा में डेवलप कर जाता है, यदि ऑपरेशन नहीं कराए, ग्लूकोमा डेवलप किया, तो आँख में आपको दर्द होगा, आँख लाल हो जाएगी, पानी आएगा, आप आँख ठीक से खोल नहीं पाएंगे, देखने में विजन खराब हो जाएगा, और ज़्यादा, पहले से तो था ही, और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं आँख का प्रेशर ग्लूकोमा में बढ़ जाता है, तो उसको प्रेशर पहले कंट्रोल करते हैं। जब प्रेशर कंट्रोल में नॉर्मल में आ जाता है, आँख नॉर्मल सेटल कर जाता है, प्रॉब्लम्स जो आँख में लाली, पानी, दर्द, ये सब जितना है, सब प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेते हैं, प्रेशर कंट्रोल करने से ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर कैटरेक्ट ऑपरेट कर दीजिए, लेंस लगा दीजिए, पेशेंट्स ठीक हो जाता है। तो आपने सुना कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेजर आर्यन लाल जी आँख की बीमारियों के बारे में क्या बताए हैं, कहाँ कहाँ से वे डिग्री लेकर आए हैं, और मुजफ्फरपुर में एक नई शुरुआत किए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।